तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मौला बार बार फरमाते हैं यूनाइटेड यूनिटी के साथ रहो, मिलके रहो, मिलके आप चैलेंजेस को फेस करो। और जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो दो चीज होती है, या इससे फैमिली अंदरों अंदर लड़के बिखर जाती है, या फैमिली मिलके मुश्किलियों के ऊपर काबू करती है, मुश्किलियों ऊपर जीतती है, मुश्किलियों में सहारती है, संघर्ष करने वाले जीतते हैं। तो ये फैमिली यूनाइटेड रहके या जमात यूनाइटेड रहके जब फेस करती है ना तो जमात इसमें से जीत जाती है। इसके लिए मौला का फरमान था जब 98 में आए ना मपुतू के अंदर दीदार पे, हम लोग तो कोई नहीं थे, पता नहीं यहाँ से कोई होंगे तो शायद अलाउद्दीन मुखी साहब होंगे शायद 98 में, हम लोग तो नहीं थे। मौला ने यही फरमाया कि आप कितना कमाते हो या आप कितना प्रोग्रेस करते हो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे आगे बढ़े उसके लिए क्या करते हो ना, ये इस्लाम की नीतिमत्ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे को हेल्प करो इसी सिचुएशन में, एक दूसरे सब मिल के हम लोग चले, तब जाके हमारी फैमिली, हमारी जमात, हमारा जो फेथ की हम लोग बात करें वो ग्रो होएगा।